अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, टिकटॉक अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम को ऑफिशियल पेज है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैप्शंस कैसे जनरेट करूं या मेरे पास आइडियाज़ नहीं जनरेट हो रहे। आपको चैट जीपीटी खुद आपके कैप्शंस जनरेट करके देगा। कैसे, आए देखते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी एक पोस्ट ओपन कर ली है देसी बारबी की। मैंने रिसेंटली एक बारबी का आजकल जो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, मैंने उस पर एक पोस्ट बनाई थी। देसी बारबी को मैंने डिज़ाइन किया था और मैं उसको पोस्ट करना चाह रही थी। जब मैंने उसे पोस्ट करना था तो मैंने सोचा कि उसका कैप्शन इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो भी देखे उसको पसंद आए चीज़ को। अब देसी बारबी सिर्फ लिख देना पोस्ट के नीचे कोई हल तो नहीं है, इंतहाई बोरिंग सा कैप्शन है। मैंने चैट जीपीटी से जाके पूछा कि मुझे एक अच्छा सा कैप्शन दो, मेरी डिजिटल इलस्ट्रेशन इस तरह की है, और देखिए मुझे उसने कितना ज़बरदस्त कैप्शन दिया है कि इंट्रोड्यूसिंग माय देसी वर्जन ऑफ बारबी अडॉर्न इन ए स्टनिंग पिंक शलवार कमीज। यानी कि जो उस पिक्चर में है, एक तो उसने वो मैंशन किया एंड ए डेलीकेट नेट दुपट्टा। मैं आपको एक दो और पोस्टें दिखाती हूँ जो कि सेम टू सेम मैंने चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट की हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये डिजिटल इलस्ट्रेशन मेरी एक स्टूडेंट ने ड्रॉ की थी, और देखें ये बड़ी शाइनी से शूज़ हैं, पंपी टाइप से। चैट जीपीटी को जाके मैंने बताया कि मुझे एक होमवर्क पोस्ट करना है अपने स्टूडेंट का, तो मैं क्या कैप्शन जनरेट करूं, एंड चैट जीपीटी ने मुझे सिंपल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैप्शन जनरेट करके दिया कि स्टेपिंग इनटू स्टाइल विद दी स्टनिंग ग्रेडियंट हील्स। देखें ऐसे लग रहा है जैसे एक पर्सन ने ये कैप्शन क्रिएट किया हुआ है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि चैट जीपीटी कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ क्रिएट करता है। फर्दर अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो अगर आपको मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी दूँ तो आप वहाँ से भी देखेंगे कि चैट जीपीटी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैप्शंस जनरेट किए हैं। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ पर जाके सारे कैप्शंस पढ़ें। एक तो आप आइडियाज़ जनरेट कर सकेंगे, दूसरा आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी हमारी कितनी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो पोस्ट करते हैं उसका कैप्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि ऑडियंस उसे जैसे ही देखे एक तो उसको समझ आ जाए, दूसरा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और तीसरा वो एसईओ फ्रेंडली ज़रूर होना चाहिए। यानी कि वो ट्रेंडिंग में हो, ये तो नहीं कि आपने ऊपर अगर यहाँ पे अगर आपने पंपी हील्स की पिक्चर अपलोड की हुई और आप नीचे जाकर लिख रहे हो कैप्शन में सैंडल्स, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ उस तरह से रैंक नहीं करेगी। नीचे जाते हैं और यहाँ से जाके कोई सी भी एक पोस्ट उठा लेते हैं जिस पे हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो रैंक करे। सिंपली आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे ले लो, जिस सपोज यहाँ पे मैंने ये ले लिया है एक गुलाब जामुन की पोस्ट, या फिर आप कोई भी ले लो। तो अब हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को जाके बोलेंगे कि इसका कैप्शन जनरेट करो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ओपन कर लिया अपना चैट जीपीटी का अकाउंट। हम जो यूज़ करते हैं वो है चैट जीपीटी 3.5। चैट जीपीटी 4 यूज़ करने के लिए आपको चाहिए पेड वर्जन, और वो आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज़ बताते चलूँ कि अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्लियर नहीं है कि अकाउंट कैसे बनाना है, तो ये सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इजीली इनको देख सकते हैं। अब चलते हैं कि हमने इसको क्या प्रॉम्प्ट देना है। जब भी आप चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देने लगें तो उससे ऐसे बात करें जैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन हो। अब मैं अगर किसी इंसान से बात करूँगी तो मैं उसे यही बताऊँगी कि भाई मैंने एक पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पर, और वो जो पोस्ट है वो गुलाब जामुन की है। वो गुलाब जामुन क्या है, एक स्वीट डिश है पाकिस्तान और इंडिया की। ठीक है, और उसके बाद वो बनाई किसने है, वो इलस्ट्रेशन है मेरी एक कोर्स की स्टूडेंट ने ड्रॉ की है, मुझे इसके लिए यार एक कैप्शन बना कर दो। ऐसे ही आप बात करते हैं ना किसी भी ह्यूमन से, सेम टू सेम आप चैट जीपीटी से ऐसे ही बात करेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे बोल देती हूँ कि कैन यू स्पीक उर्दू या कैन यू अंडरस्टैंड उर्दू, तो देखते हैं कि वो क्या करता है। अब वो कह रहा है कि आपसे मैं उर्दू में कैसे बात करूं। तो अब आपको अगर इससे उर्दू में कुछ भी कहेंगे कि आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं या कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आप सिंपल उसे जाके उर्दू में भी वो चीज़ दे सकते हैं। ये देखें मैं इसे एक क्वेश्चन करती हूँ यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ, कोई भी क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे बता दें। सेम ऐसे ही आप फ्रेंच, हिंदी, इटालियन, अरेबिक किसी भी लैंग्वेज में बात करना चाहो कर सकते हो। इंग्लिश में इसीलिए यहाँ पे यूज़ करती हूँ ताकि आपको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉम्प्ट देने आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसीजर को। हमने इसको प्रॉम्प्ट देनी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करते हैं। भाई आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब हैं, मार्केटर हैं, टिकटॉकर हैं, आपने सबसे पहले उसको बताना है कि आपका काम क्या, आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपके पेज के ऊपर किस तरह की पोस्टिंग होती है, ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए कि इसको कैसा कैप्शन जनरेट करना है। अब मैं इसे बताने लगी हूँ।
अभी मैंने इसको एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दी है, क्योंकि अगर मैं इसको बड़ी लॉन्ग और डिटेल प्रॉम्प्ट दूंगी तो ये कंफ्यूज हो जाता है और चीज़ों को ठीक करने के बजाय रॉन्ग करना शुरू कर देता है। और स्टार्टिंग में जब आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि आप शॉर्ट शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स देने की कोशिश करें। आस्ता आस्ता जब आप सीखते जाएंगे तो चीज़ों को बेशक आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेके जा सकते हैं। अब मैंने इसको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ और मैं क्या पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिंपल पोस्ट कर देती हूँ। अब वो बोलेगा कि दैट्स फंटेस्टिक, अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। चैट जीपीटी की एक अच्छी क्वालिटी है कि जो हम जो पीछे जो भी काम करते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं, ये उसको याद रखता है। अब उसको ये याद है कि मैं एक डिजिटल आर्ट कोच हूँ और मैंने 500 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और मैं क्या पोस्ट करती हूँ। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं अपनी प्रॉम्प्ट को। नाउ आई हैव टू पोस्ट ए ब्यूटीफुल डिजिटल इलस्ट्रेशन ऑफ माय कोर स्टूडेंट दैट्स अबाउट गुलाब जामुन। सबसे पहले तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे करना क्या है, मुझे पोस्ट करनी है और जो इलस्ट्रेशन है वो गुलाब जामुन की है, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे दिखा तो नहीं सकती ना कि क्या पोस्ट है। हम इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। साथ मैंने ये भी बता दिया कि गुलाब जामुन एक स्वीट डिश है या एक स्वीट मिठाई की तरह है पाकिस्तान में, जो कि ज़्यादातर यूज़ खाई जाती है। उसके बाद माई डिजिटल आर्ट कोर स्टूडेंट मेड दिस एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट हर थ्रू माई वर्ड्स, यानी कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे एक ह्यूमन से हम बात करते हैं। अब मैंने इसे कहा राइट ए यूनिक एंड अट्रैक्टिव कैप्शन। ए को रिमूव कर देते हैं क्योंकि मैंने 3 to 5 लिखा है। 3 to 5 का मतलब है कि 3 to 5 कैप्शन जनरेट करो, ताकि अगर मुझे एक पसंद ना आए, दूसरा पसंद ना आए, तो मैं आगे से फर्दर उनको सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दी है, ए डिलेक्टेबल मास्टरपीस ब्रॉट टू लाइफ विटनेस द स्वीट क्रिएटिविटी ऑफ अवर टैलेंटेड स्टूडेंट एज दे ब्यूटीफुली कैप्चर द एसेंस ऑफ गुलाब जामुन इन डिजिटल फॉर्म। इसने एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्शन जनरेट किया है। एक तो उसने यहाँ पे जो स्टूडेंट का काम है उसको कैसे देखें एक्सप्रेस किया हुआ है, दूसरा स्वीटनेस गुलाब जामुन स्वीटनेस, उसके बाद सेलिब्रेटिंग देयर स्किल्स। अब मैं ऐसे कहती हूँ कि जनरेट ऑलमोस्ट 3 to 5 कैप्शंस यहाँ पे, कि ये तो तुमने कर दिया है और भी करो, मुझे ये पसंद नहीं आए। अब वो मुझे कैप्शंस जनरेट करके देगा। सबसे फर्स्ट वाला देखें, फिर सेकंड वाला देखें और थर्ड वाला देखें। यहाँ पे देखें कितना मज़ेदार सा कैप्शन है, फ्रॉम कैनवस टू किचन अवर स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक फ्लेयर नोज नो बाउंड्स, फीस्ट यूर आइज ऑन देयर डिजिटल ओड टू द बीलव्ड गुलाब जामुन। 4 to 5 इसने मुझे करके दिए हैं यहाँ पे जनरेट। आपको जो भी पसंद आता है आप सिंपल उठा के इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप इंस्टाग्राम पर जो भी पोस्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर जाके सिंपल पोस्ट कर दें। सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने फेसबुक पोस्ट, अपने ट्विटर पोस्ट, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट, किसी भी पोस्ट का कैप्शन जनरेट कर सकते हो। आप जैसे चाहो सिंपल यहाँ पर जाके उसको पोस्ट कर दो और आपका जो कैप्शन है वो इतना अट्रैक्टिव होगा कि आपके प्रॉपर ऑडियंस आके कहेगी कि इसने इतने यूनिक वर्ड्स यूज़ कैसे किए। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो वाकई इन्फॉर्मेशन लगी है और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है तो बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने आज क्या सीखा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।